साथियों, यूपी पुलिस की वैकेंसी को लेकर इस समय लगातार आप लोगों के मन में ये प्रश्न बन चुका है कि क्या यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी चुनाव के पहले या फिर नहीं आएगी। साथियों, चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर अगर बात किया जाए तो यूपी पुलिस की अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ध्यान दीजिए, अभी मत जाइए वीडियो छोड़ के, पहले पूरे तरीके से सुन लीजिए, पूरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद अभी आप लोग वीडियो छोड़िए। तो जिस तरीके से साथियों आप लोग के नोटिस वायरल हुए थे, आपके टेंडर के लिए नोटिस वायरल हुआ था या फिर जारी हुआ था, आप लोग जाके यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी भर्ती के लिए जो आपका 26,700 कुछ पद के लिए निकली हुई थी, उसके लिए टेंडर भी पास किया जा रहा था। ठीक है साथियों, उसके लिए आपको कंपनी भी हायर की जा रही थी। उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो नोटिस आ जाएगा, आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि नोटिस पहले ही वायरल हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात भी सच है कि अगर चुनाव आचार संहिता लागू है तो उसमें कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जो पुरानी भर्तियां हैं वो जारी रह सकती हैं, लेकिन नई कोई भी भर्ती नहीं करवाई जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो हो सकता है आपकी भर्ती आने में थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, अभी हम लोगों की ट्रेनिंग ही चल रही है 49,568 बैच की। ठीक है, इसके ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी, ये तो निश्चित है। लेकिन अभी भर्ती कब आएगी ये क्लियर नहीं है साथियों। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको सूचना तुरंत दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि यूपी पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।